प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल डियर प्लेसेस विद आरिफ पर स्वागत है। यहाँ मैं सासाराम में कई दिनों से रुका हुआ हूँ और आज मैं यहाँ पर इंद्रपुरी जो बराज है वहाँ पर आया हूँ। सोन नदी पर बना हुआ है और ये इलाका बहुत खूबसूरत है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। यहाँ पर ताल मखाना की खेती भी होती है। यहाँ पर देखिए, अभी आप देखेंगे नज़ारा वो। और ये सोन नदी जो है, ये अमरकंटक पर्वत श्रेणी है, वहाँ से निकल करके आती है। 784 किलोमीटर लंबी नदी है और ये पटना के पास जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो अभी मैं आपको बराज का जो है नज़ारा कराता हूँ, इंद्रपुर बराज का। और ये औरंगाबाद और सासाराम की एकदम सीमा रेखा पर ये बराज बनाया गया है। 1407 मीटर लंबाई में ये बांध है, लेकिन मुझे यहाँ तक लाने में जो मेरे दोस्त हैं मशहूद, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मैंने सोचा कि आपको, मतलब आप परिचय जो है आप लोगों का उनसे कराया जाए, ताकि उन्होंने जो फैसिलिटेट किया यहाँ तक मुझे, वो लेकर के आए हैं। यहाँ पे दूरी थी, ऐसे आना पॉसिबल नहीं था। तो आइए, मैं एक छोटा सा इंटरव्यू जो है वो उनका आपके सामने पेश करता हूँ। तो ये देखिए, मैं आपसे उनको मिलाता। तो आपका मेरे चैनल पर मशहूद साहब जो है बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए कि जो इंद्रपुरी बैराज है, ये मतलब जो सोन नदी जो है, ये इस इलाके के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये? पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं जी, उनके सामने मुझको प्रस्तुत करने के लिए और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए या मुझसे सवालात करने के लिए जी, जो मौका आपने दिया है उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जी। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सोन नदी है जी, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल कर करके और पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। और ये डेहरी जो है रोहतास जिला का एक अच्छा खासा शहर है जी। वहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर दक्षिण साइड में ये पूरा एक डैम बना हुआ है जी। ये मैं दिखा रहा हूँ, देखिए, ये डैम जो है ये इस इलाके का जीवन रेखा कहिए, एक तरह से मान के चलिए कि किसानों के लिए, उनके खेती बाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है, बन गया है और बना हुआ है और आगे भी उम्मीद है कि इसी तो तरह। ये जो डैम है, ये कब, मतलब 1968 में इसको बनाया गया था? 1968 में बना था। और इस डैम को बनाने में बहुत सारे जो मजदूर लोग थे उनकी भी मतलब दुर्घटना हुई थी, क्योंकि ये डैम बहुत ही खतरनाक और बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। इसमें सिर्फ जो है कि पैसा ही नहीं लगा है, इसमें बहुत सारे मजदूरों का खून पसीना के साथ साथ उनकी जो है जिंदगियां भी दांव पर लगी। यहाँ पर देखा है मैंने कि वो मजदूरों की तस्वीरें लगी हुई हैं। जी, वहाँ पर उनकी स्मृति में जो है सरकार ने एक स्तंभ भी बनवाया हुआ है जी, जिसको आने जाने वाले लोग जो है उनको देखते हैं। तो ये और ये जो इलाका है जी जी जी, मैं ये दिखाता हूँ, ये ताल मखाना की ये सामने खेती मतलब हो रही है, इसको ज़रा दिखाइए जरा जी। और ये जो है कि आप देख सकते हैं कि उधर से जी एक नहर का जो है कि बाउंड्री है, ये देखिए मैं इधर है जी। तो ये जो है ये तालाब टाइप का बन गया है, बड़ा सा इलाका क्षेत्र। और इसमें जो है कि तलमखाना और साथ में कमल के फूल की भी खेती की जाती है, टेंडर्स वगैरह निकलते हैं सरकारी तौर पर जी। और ये जो है कि मतलब बहुत बड़ा इलाका, एक डूब क्षेत्र भी है जी। लेकिन उसके साथ साथ इससे जो है किसानों को बहुत बेनिफिट भी है और इसका फायदा सबको मिल ही रहा है। और सोन नदी से दोनों तरफ जी मतलब कि नहरें निकली हुई हैं जी, और एक एक इधर भी है, एक उधर भी है, और बहुत दूर तक मुझे लगता है कि कम से कम हजारों किलोमीटर जो क्षेत्र है जी, वो एरिया को ये सिंचित करने का काम करते हैं, जिससे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा जो है कि उनको एक सहयोग मिलता है। तो ये जो ये मतलब ताल मखाना की ये जो खेती हो रही है यहाँ पर, इतना मतलब इतना बड़ा एक झील नुमा इलाका है ये जी, तो ये कैसे कौन लोग करते हैं? यहाँ तो कोई है नहीं, यहाँ अभी कोई देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो लोग एक बार बीज डाल करके अपना चले गए, बाद में आकर करके समय समय पर अपना देखभाल करते रहते हैं जी। और जो आसपास के लोग होंगे या कोई ठेकेदार वगैरह जी जी, इसकी मतलब ठेकेदारी लेते हैं। देखिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, समय समय पर इसमें जो है कि अपना काम करते हैं जी। तो इस तरह से मतलब ये जीविका का बहुत बड़ा, आजीविका का बहुत बड़ा स्रोत है ये, बहुत बड़ा जो है कि अपना एक रोजगार का साधन बन गया है जी। और साधन बना हुआ है जी, सरकार भी जो है कि इसमें सहयोग कर ही रही है जी। ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है सोन नदी की इस तरफ जी, और सोन नदी की उस तरफ जो है रोहतास जिला पड़ता है। अच्छा, और ये दोनों जिलों का ये एक तरह से नदी जो है बॉर्डर है जी जी जी।
तो ये काफी यहाँ पर मतलब मनोरम दृश्य भी है, यहाँ लोग आते होंगे। मनोरम दृश्य है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी कंस्ट्रक्शन है या स्ट्रक्चर है जी, जो अंग्रेजों के जमाने से भी चला आ रहा है। ये देखिए मैं उनके, जी उनके मतलब की कार्यशैली से प्रभावित भी है। जी जी जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी मतलब मूल्यवान जानकारी दी और जो है वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है आपने। तो यहाँ पर आकर के बहुत अच्छा लगा और जो लोग मतलब इसको देखेंगे वीडियो तो ये महसूस करेंगे कि सासाराम और औरंगाबाद के समीपवर्ती क्षेत्र में जो ये बराज है ये 1407 वीडियो में थोड़ा सा उधर भी दिखाने का प्रयास कीजिए जी, जी जो देखने वाले दर्शक हैं जी जी उनको यहाँ का स्पष्ट जो है नजारा भी देखने को मिले और लोकेशन भी उनको जी जी उसको दिखाया जाएगा। लेकिन मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है मूल्यवान जानकारी दी है। ये बाद में जो वीडियो अपलोड होगा तो मैं यहाँ का मतलब अभी पूरा एक मतलब वीडियो जो है कैप्चर करूँगा, जो भी यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण स्थान है उसको लिया जाएगा। तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना मतलब कीमती समय दिया मुझको यहाँ लेके आए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। तो देखिए इंटरव्यू के बाद मैं अब आपको अलग अलग स्थानों को दिखाता हूँ। तो मैंने सोचा था कि वो मेरे साथ आए हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है तो एक इंटरव्यू उनका लिया जाए, क्योंकि यहाँ के स्थानीय वो निवासी हैं तो वो बेहतर जानते हैं इस पूरे इलाके को। तो देखिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ जो बराज है ये तकरीबन आप देखिए, ये देखेंगे ये इस तरह से, ये देखिए ये कुल 1407 मीटर लंबा ये देखिए बराज है, ये इस तरह से बना हुआ है और इसमें सोन नदी के पानी को यहाँ पर रोका गया है। पीछे जितना आप देख रहे हैं ये पूरा जलाशय जो है ये पानी को रोका गया है और एक निश्चित अनुपात में जो है वो सोन के पानी को जो है आगे छोड़ा जाता है और फिर पटना के पास जा करके ये नदी जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 1407 मीटर लंबाई में ये बराज 1968 में बनाया गया था। तो मैं देखिए आपको नहरें दिखाता हूँ इसे निकाली गई हैं, उसमें पानी कितना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए आगे मैं चलता हूँ, अभी इसको पॉज करके मैं आगे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर एक सुंदर वृक्ष है तो मैं इसको दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी यहाँ पर जो है खूबसूरती मुझे नज़र आई। तो देखिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये कितना अच्छा पेड़ है, ये काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा था तो मैंने सोचा कि एक दृश्य इसका भी ले लिया जाए। अभी मैं आपको आगे बेगम बेला भी जो है एक मतलब वृक्ष है उसको भी दिखाता हूँ, बताया है लोगों ने उसका नाम, तो मैंने सोचा कि ये भी दृश्य आपके लिए कैच किया जाए। तो ये वृक्ष देखिए काफ़ी यहाँ से मुझे अच्छा दिख रहा था और ये देखिए ताल मखाना की इस तरह से खेती जो है वो की जाती है, इस तरह से इसको इसका प्रोडक्शन होता है, बीज इस तरह से डाला जाता है। तो देखिए मैं जूम करता हूँ ताकि आप देखें, ये देखिए इस तरह से ये पूरा इलाका बहुत बड़े एरिया में है, ये इसी तरह से आपको नज़ारा दिखेगा। देखिए मैं पैक करता हूँ, देखिए आप ये कितने बड़े एरिया में है, क्योंकि बिहार जो है ताल मखाना की खेती के लिए जाना जाता है और ये औरंगाबाद जहाँ मैं खड़ा हूँ ये औरंगाबाद ज़िला अब लग जाता है और जस्ट इसके बगल में सासाराम यानी रोहतास ज़िला है। तो ये देखिए, देखिए यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो सोन नदी को रोका गया है तो उसका देखिए पानी किस तरह से पीछे स्टोर हुआ है, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये सोन नदी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नदी है बिहार के लिए। देखिए ये पटना के पास जा करके गंगा नदी से मिल जाती है, 784 किलोमीटर लंबी नदी है, अमरकंटक पठार से ये निकलती है, वहाँ से मतलब उसकी पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा नज़ारा। तो किसानों के लिए ये बराज जो है ये बहुत महत्व का मतलब ये स्थान रखता है, क्योंकि काफ़ी आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से यहाँ से मतलब नहरें निकलती हैं तो वहाँ से पानी उन ज़िलों तक पहुँचता है। तो ये देखिए, देखिए यहाँ से एक अलग एंगल से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सोन नदी का पानी, आप देखेंगे देखिए ये कितना ज़्यादा जो है पानी यहाँ कलेक्ट किया गया है, धीरे धीरे एक अनुपात के आधार पर पानी आगे छोड़ा जाता है। देखिए ये इंद्रपुरी बराज का मतलब इलाका है, ये 1968 में इसको बनाया गया था। देखिए
इस तरह से ये आपको चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आएगा। देखिए 1407 मीटर लंबा ये बराज है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से, ये बेगम बेला यहाँ के लोगों ने बताया है, ये उसका पेड़ है। ये देखिए मैं जूम करता हूँ इसको, इसकी खूबसूरती जो है वो नज़र आएगी। देखिए ये देखिए, तो इस तरह से ये खिला हुआ था और बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसका भी नज़ारा जो है वो कैद किया जाए। देखिए इस तरह से इस इलाके में इसकी खूबसूरती अलग तरह से नज़र आ रही थी। देखिए ये देखिए, तो मैंने सोचा इसको भी जो है वो कैद किया जाए। ये देखिए ये बराज के आसपास का इलाका है। तो देखिए मैं पैदल चल रहा हूँ, आपको नहर के पास लेके चलता हूँ। ये इलाका देखिए आप, ऐसे ये मैं दिखा रहा हूँ देखिए, और मैं उस नहर के पास चल रहा हूँ जो सोन नदी से निकाली गई है। आप देखते रहिए ताकि आपको दिखे कि कितनी तेज़ी के साथ नहर में पानी जो है वो जा रहा है और आसपास के ज़िलों में उससे खेती में काफ़ी मदद मिलती है। देखिए मैं पॉज करके आगे आपको दिखाता हूँ। इस पेड़ की खूबसूरती भी आप देखें, यहाँ से मुझे ये पेड़ अच्छा लग रहा था तो सोचा कि इसका भी नज़ारा आपके सामने कैद किया जाए। देखिए ये देखिए, देख रहे हैं ये देखिए कितनी अच्छी इसकी पत्तियाँ हैं, तो नज़र पड़ गई मेरी। ये देखिए बैक करता हूँ, देखिए तो खूबसूरती चारों तरफ बिखरी हुई होती है, उसको देखना पड़ता है। यहाँ से देखिए मैं बराज के एकदम पास में ही हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए थोड़ा जूम करता हूँ मैं ताकि आप देखें किस तरह से बना हुआ है। देखें ये देखिए इस तरह से ये इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। देखिए ये देखिए ये 1407 मीटर लंबा बराज है। देखिए इस तरह से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोग अपना चल रहे हैं और देखिए बैक करता हूँ मैं तो ये आपको नज़र आएगा। देखिए तो देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बराज से जो नहर निकाली गई है सोन नदी से, ये मैं आपको इसका नज़ारा कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए ये आप देख रहे हैं। तो देखिए आपको नहर जो है मैं दिखाता हूँ, ये नहर देखें और ये कितनी खूबसूरत यहाँ से नज़र आ रही। देखिए ये सोन नदी से निकाली गई नहर है, औरंगाबाद की तरफ ये जा रही है, औरंगाबाद ज़िले की तरफ। तो देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए देख रहे हैं ये देखिए, बैक करता हूँ मैं, ये देखिए आप ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। देखें आप को दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये नज़ारा देखिएगा, देखिए ये देखिए, देखिए इस तरह से ये मशीनें लगी हुई हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से मशीनें जो है वो लगी हुई हैं। देखिए पानी देखिए, देख रहे हैं। तो ये देखिए जो है पानी जो है वो सोन नदी का जो है इस तरह से बराज से बाहर आ रहा है, एक निश्चित अनुपात के तहत पानी जो है वो छोड़ा जाता है और फिर आप देखेंगे ये नदी जो है वो आगे ये निकल जाती है और फिर पटना के पास
गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है सोन नदी। तो ये देखिए, मैंने सोचा कि यहाँ से भी आपको दिखाया जाए किस तरह से तेज़ी के साथ पानी जो है वो आ रहा है। देखिए, थोड़ा मैं जूम भी करता हूँ ताकि आपको चीज़ दिखे। ये देखिए कितनी तेज़ से पानी जो है वो आ रहा है। देखिए इसका नज़ारा देख रहे हैं आप, किस तरह से पानी जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है। देखिए देखिए, और मैं जूम करता हूँ, थोड़ा बैक करता हूँ। ये देखिए, ये सोन नदी जो है ये अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलती है। 784 किलोमीटर लंबी नदी है और यहाँ पर औरंगाबाद और सासाराम के पास रोहतास ज़िला जो है उसके सीमावर्ती क्षेत्र में ये बराज 1978 में इंद्रपुरी बराज जो है बनाया गया था। और ये मैं आपको इसका नज़ारा देख करा रहा हूँ। ये देखिए आप, इस तरह से पानी छोड़ा जाता है। और देखिए वाटर का फ्लो देखिए आप, तो आप देखेंगे, ये देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर क्योंकि मैं आया था तो मैंने सोचा कि इसको कवर किया जाए ताकि आपको भी नज़ारा इसका कराया जाए। देखिए मैं जूम करता हूँ, देखिए ये देखिए, तो आप ये देखेंगे किस तरह से एक निश्चित अनुपात के तहत पानी जो है वो छोड़ा जाता है। ये देखिए, तो यहीं पर मैं वीडियो को अब क्लोज करूंगा। और ये देखिए, तो मुझे अनुमति दें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो है वो मतलब ये जब चैनल आगे बढ़ेगा तो इससे जो भी मतलब मुझे आर्थिक जो है वो धन प्राप्त होगा, मतलब जो भी उपलब्धि होगी तो उसको ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च भी किया जाएगा, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। तो देखिए, चैनल का उद्देश्य जो है वो आपको एक अच्छी अच्छी जगह पर ले जाना, दिखाना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, और उसके बाद जो भी मुझे प्राप्त होगा तो लोगों की हेल्प की जाएगी। तो ये मेरा मकसद भी, उद्देश्य भी है, इसीलिए मैं वर्क कर रहा हूँ। तो यहीं पर मुझे अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।